हेलो एवरीवन, सुबह सुबह का नाश्ता जो कि कम टाइम में बन जाए, साथ में हमारे हेल्थ के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो, तो ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चावल का डोसा जो कि काफ़ी टेस्टी लगता है, साथ में टमाटर की चटनी। थोड़ा सा इसमें इसलिए टाइम जाता है, इसको सोक करना पड़ता है, फर्मेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे कोई सा भी मोटा आप चावल ले सकते हैं, 4 घंटे इसको भीगने के लिए रख देना है, इसको अच्छे से धो लेना है, आप देख सकते हैं एकदम साफ कर लेना, पानी फेंक देना है। साथ में ही हमने यहाँ पे फ्रेश जो नारियल आता है मार्केट में उसका इस्तेमाल करा है, उसका जो ऊपर का छिलका होता है ना काला सा, वो थोड़ा सा हमें निकाल देना है और इसके छोटे छोटे पीस कर लेना ताकि पीसने में आराम हो। आप चाहें ऐसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और फिर अब क्या करना है, साथ में हमें लेना है 1 कप पका हुआ चावल, तो कोई सा भी पका हुआ चावल ले सकते हैं, जैसे खाने के लिए बनाया वो भी आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं। 1 कप पका चावल, 1 कप नारियल, फ्रेश नारियल इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी के अंदर, साथ में 1 कप जो हमने चावल को भिगोया था 4 घंटे के लिए, सारा का सारा पानी हमें निकाल देना है। पीसते टाइम पे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, लगभग हमने 1.5 कप पानी इस्तेमाल करा है। बहुत ज़्यादा लिक्विड बैटर हो जाएगा तो इसके डोसे नहीं अच्छे बन पाते हैं, तो यहाँ पे इसको अच्छे से थोड़ा सा थिक बैटर बना के रेडी करना है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसको रखना है फर्मेंटेशन के लिए, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 8 घंटे भी रख सकते हैं, गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी से फर्मेंट हो जाता है। अब इसके साथ में खाने के लिए बनाएंगे हम टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके लिए हमने लिए हैं 1/2 किलो लगभग टमाटर। ये टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं, क्योंकि ज़्यादा खट्टे टमाटर लेते हैं ना तो बहुत खट्टी चटनी लगती है, थोड़े से ही खट्टे हैं, खट्टे मीठे टाइप के जो आते हैं। अब इसका जो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना बीच में डंठल वाला पार्ट, उसको हमें निकाल देना है, इसको रफली चॉप कर लेना है, और ये इसके अंदर जाएगा एक छोटे साइज का प्याज। तो यहाँ पे 1/2 किलो टमाटर के हिसाब से एक छोटे साइज का हमने प्याज ले लिया, इसको भी रफली चॉप कर लेंगे, और थोड़ी सी इसके अंदर डालेंगे अदरक लगभग 1 इंच, इसको भी हमें काट लेना है। यहाँ पर हमने इस्तेमाल करी थोड़ी सी धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, हल्की सी बस थोड़ी सी इस्तेमाल करी है हमने, आप देख। और यहाँ पे पूरा एक लहसुन इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कढ़ाई में डालना है थोड़ा सा ऑयल, कोई सा भी ले सकते हैं आप, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, जो भी इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमने सरसों डाल दी है, सरसों हल्की सी रोस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मिर्चें डालेंगे, जो कि तीखी बिल्कुल भी नहीं है, चटनी के अंदर अच्छा सा लाल रंग देने के लिए कोई से भी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि तीखी ना हो, नहीं तो बहुत कड़वी चटनी हो जाएगी, फिर बच्चे भी नहीं खा पाएंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा तीखा करने के लिए एक हमने जो तीखी वाली मिर्च होती है ना वो एक सिर्फ डाल दी है। अब इसमें डाल देंगे हम लहसुन, सारी चीज़ें हल्की सी भूनने से क्या होता है ना चटनी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे अदरक लहसुन और प्याज वगैरह सारी चीज़ें हमें डाल के 1-2 मिनट के लिए अच्छे से हमें भून लेनी है सिर्फ, और फिर एकदम लास्ट में डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद में इसमें धनिया डालनी है और नमक डालेंगे, थोड़ा सा हमने गुड़ इस्तेमाल करा है हल्की सी और मिठास के लिए, वैसे प्याज से थोड़ी सी मिठास आ जाती है, चाहे तो थोड़ा सा गुड़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस इसको हमें कवर अच्छे से पहले तो मिक्स करना है और कवर करके इसे पका लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें अगर ये कम पका होगा ना चटनी, मतलब सारी चीज़ें, तो चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा, तो इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पका लीजिए, तो सारा पानी खुद ही रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद में इसे और पकने देंगे, जब आप देखेंगे ना काफ़ी सारा पानी छूट गया है इसके अंदर से, तब इसे और हम पकाएंगे। साथ में हमने क्या करा है ना, इसमें 2 टेबलस्पून जो भुनी हुई चने की दाल आती है मार्केट में, वो ऐड कर दी ताकि एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए चटनी में। आप चाहें तो अगर आपने भुनी हुई चने की दाल नहीं है तो जब तेल गर्म करें ना उसी में आप जो कच्ची चने की दाल आती है ना जिससे हम लोग दाल बनाते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं सबसे पहले ही, अगर भुनी हुई चने की दाल नहीं है तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा पानी जब रहेगा ना, इसको अच्छे से हमें थोड़ा सा जला देना है धीरे आंच पे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं। आप देख सकते हैं पानी कम हो गया, एकदम गायब हो गया, एकदम जब ठंडा हो जाएगा तब इसको हमें अच्छी तरीके से बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। इसके अंदर पानी हमें वापस से नहीं ऐड करना है। यहाँ पे लाल लाल टमाटर की चटनी बन के रेडी हो चुकी है, लेकिन इसमें तड़का लगाएंगे जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है, और इडली के साथ में, डोसे के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं तेल डाला है, थोड़ी सी उड़द की दाल डाली है, उड़द की दाल को ना हल्का गुलाबी हो जाने देंगे नहीं तो फिर ये कच्ची रह जाएगी। थोड़ा सा सरसों डाल देंगे, करी पत्ते डालेंगे और थोड़ी सी खड़ी मिर्च डाल देंगे ताकि चटनी के ऊपर देखने में अच्छी लगे। और सारी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद में, उड़द की दाल अच्छे से रोस्ट हो चुकी है आप देख सकते हैं वीडियो में,
और बस इसको हमें चटनी के ऊपर डाल देना है, मिक्स करके सर्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जो हम चावल के डोसे बना रहे हैं ना, उसके साथ भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनी बनाने टाइम पे ना, इसको अच्छे से टमाटर को पका लीजिएगा, जितना पानी होता है ना वो थोड़ा जल जाए, तब उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। बहुत पानी रहेगा ना तो पतली पतली चटनी रहेगी, वो फीकी फीकी लगती है फिर खाने में। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बन के रेडी होती है। यहाँ पे बैटर भी अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी सारी इसमें जालियाँ दिख रही हैं। और जब फर्मेंट करके बनाते हैं ना, तो डोसा या फिर इडली हमारे गट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गट फ्रेंडली बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्दी होते हैं। इस टाइप की और कई रेसिपीज आज हम शेयर कर चुके हैं, जैसे कि अगर आपने मसूर की दाल का डोसा नहीं देखा है तो उसका लिंक दिया हुआ हमने, वहाँ पे आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसको भी हमने फर्मेंट करके बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। अब यहाँ पर डोसा बनाने के लिए बैटर में नमक डाल चुके थे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तवे को हमें थोड़ा सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म अगर हो तो पानी के छींटे डाल के उसे टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो डोसा जो है ना एकदम से चिपक जाता है और फिर वो जल सा जाता है। और बस थोड़ा सा दो बड़े चम्मच हमको बैटर डाल के हल्का सा फैला लेना है। थोड़ा सा इसको थिक बनाते हैं, इसमें काफ़ी सारी जालियाँ ना खुद ही दिखने लग जाती हैं। और इस बैटर के अंदर थोड़ा सा ही ऑयल डालने की ज़रूरत है, चाहे तो बिना ऑयल के ही बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नारियल इस्तेमाल कर रहे हैं इसको खुद का ही खुद फैट होता है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हो जाता है और बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और सुबह सुबह ऐसा नाश्ता मिल जाए ना तो किसको नहीं पसंद आएगा। और इसको सेक लेना है दोनों तरफ से हल्का हल्का सा, बहुत जल्दी से सेक के रेडी हो जाता है। इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे टमाटर की चटनी के साथ में, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।